आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग अभी भी शेयर मार्केट में आए हैं, जिन्होंने अभी भी शेयर मार्केट में कदम रखा है, उनको कैसे शुरुआत करनी है, कौन से स्टॉक बाई करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, किस में ट्रेडिंग करनी है, किस में नहीं करनी है। क्योंकि जब नए नए शेयर बाज़ार में आते हैं तो एक डर होता है मन में अजीब सा, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है। लेकिन हाँ, इतना मन में पता होता कि भाई पैसा कमाना है, क्योंकि सबका देख लिया, अपने दोस्तों को देख लिया और उसे सुन लिया, पता कर लिया कि पैसा कमाया जाता है शेयर बाज़ार में। लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पैसा इसमें आप कमा भी सकते हैं और कभी कभी पैसा आपका इसमें माइनस में भी चला जाता है, तो इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग नए आए हैं शेयर बाज़ार में, उनको मैं आज गाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले चलते हैं ज़ेरोधा के काइट ऐप में। मैं ज़ेरोधा का काइट ऐप यूज़ करता हूँ, तो उसमें मैं चलूँगा। आप भी अपना ओपन कर लीजिए और सबसे नीचे आप आइए, कॉर्नर में देखिए, लेफ्ट हैंड में वॉच लिस्ट लिखा है, वॉच लिस्ट पर जाइए। अब देखिए सर्च आ रहा है, यहाँ पे सर्च में आप किसी भी कंपनी का नाम डाल सकते हैं। मैं जस्ट आपको गाइड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जो कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ वही करना है। आप अपनी मनपसंद की कोई भी कंपनी, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, जस्ट सपोज़ आप टाटा डालेंगे तो टाटा की जो कंपनी है आ जाएगी, टाटा मोटर्स आ जाएगा। टाटा मोटर्स मैंने ऐड किया हुआ है, टाटा मोटर्स है, टाटा कंसल्टेंसीज है, TCCS, TC, ठीक, वो कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिस्ट थी, 5 लिस्ट होती हैं, मैंने ऐड कर रखी हैं। तो इसमें आप अपने मनपसंद की कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे अभी इसमें पसंद आ रहा है, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मैं ख़रीदना चाहता हूँ उसमें अशोक लीलैंड। ये अशोक लीलैंड आप देख रहे होंगे, जो ट्रक वगैरह व्हीकल, हैवी व्हीकल्स बनाती है। तो इसका शेयर मैं बाई करना चाह रहा हूँ, मुझे ये काफ़ी पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं। अब दो चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्टॉक जो बाई होते हैं दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है सुबह आपने ख़रीदा और शाम को बेच दिया। सुबह मार्केट खुलता है 9:15 बजे और 3:30 पर बंद हो जाता है, लेकिन आपको 3:20 से पहले आपको स्टॉक बाई करना पड़ेगा। यदि आपने बाई तो आपने कर लिया, सेल नहीं किया आपने, तो जो आपका ब्रोकर कंपनी है, यहाँ पे ज़ेरोधा ब्रोकर कंपनी है, वो आपका बाई आप कर चुके हैं, वो सेल कर देगी अगर आपने सेल नहीं किया, और उसका आपको चार्ज लग जाएगा 59 रुपीज़ जो होता है। अब आप नए हैं, आपके मन में डर है, आपको अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूँगा आप लंबे टाइम के लिए खरीदिए पहले। उससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और उसमें ख़तरा भी नहीं है। तो एक चीज़ तो होती है सुबह ख़रीदा, शाम को बेच दिया, ठीक है। दूसरा है आज ख़रीदो और जब मन करे जब बेचो। तो मैं आपको गाइड करूँगा, आप पहले यही कीजिए लंबे टाइम वाला, क्योंकि जो आप सुबह को ख़रीदोगे वो आपका माइनस में चला जाएगा, आप घबरा जाओगे, मेरा पैसा तो माइनस में चला गया, क्योंकि आपको अभी जानकारी नहीं है कि उसको बचाना कैसे माइनस से। तो जैसे कि अशोक लीलैंड पे मैं टैप करूँगा, ऑप्शन आ गया बाई सेल, मैं बाई पे चला जाऊँगा। यहाँ क्वांटिटी है, मेरा लॉन्ग टाइम के लिए आपको ख़रीद के दिखा रहा हूँ, और लॉन्ग टाइम के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ कि अगर आप फ्रेशर हैं, नए नए आए, तो लॉन्ग टाइम के लिए खरीदिए अपने मनपसंद का शेयर। मैं यहाँ पे तीन क्वांटिटी मैं यहाँ पे भर लेता हूँ, कि मेरे को जो है 3 स्टॉक चाहिए। यहाँ पे 1-2 जितने आपको ख़रीदने वो आप ख़रीद सकते हैं। ऊपर देखिए NSCR और BSCR है, NSE में खरीदिए, BSE में खरीदिए, थोड़ा सी अंतर होता है। NSE होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। किसी में खरीदिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत ही पैसे का अंतर आता है। लॉन्ग टाइम के लिए ख़रीदने के लिए ध्यान रखिएगा CNC आता है, कैश एंड कैरी, ठीक है। और MIS होता है 1 दिन के लिए, तो MIS नहीं करना है, CNC करना है, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हैं, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है। CNC पर टैप कर देना, ब्लू में आ जाएगा, जब आप ख़रीदेंगे तो ब्लू में आएगा, याद रखिए। ऑर्डर में मार्केट होता है, लिमिट होता है SL SLM। SL और SLM अभी आप भूल जाइए, बाद की वीडियो में टॉपिक को कवर करेंगे। मार्केट होता है कि जो रेट चल रहा है उस पर आप ख़रीद सकते हैं। लिमिट होती है, लिमिट में आप यहाँ पे अपना रेट दे सकते हैं। जैसे कि आप दुकान पे जाते हैं और दुकान वाला बोलता है कि ये सामान तो 24.65 रुपये का, आप कहते हैं नहीं भाई थोड़ा कम कर लो, तो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ आप उससे बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं। तो सेम ये उसी के तरीके से यहाँ पे आप अपना रेट बता सकते हैं कि मैं तो इतने में नहीं, इतने में खरीदूँगा, ठीक है। अगर आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है, लंबे टाइम के लिए खरीद रहे हैं, तो मार्केट पे भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मार्केट पे खरीद ले रहा हूँ, ठीक है। मार्केट रेट रहेगा, ये सेट स्टॉप लॉस, सेट टारगेट, अभी आप बिल्कुल छेड़ना मत इनको,
वैरायटी रेगुलर रहेगी, वैलिडिटी डे रहेगी, और ये डिस क्वांटिटी जो है इसको भी आप मत छेड़ना, बिल्कुल स्वाइप टू बाई कर देंगे तो ये बाई हो जाएगा, ठीक है। मार्केट ऑर्डर पे अभी कितना चल रहा है, 124 रुपये चल रहा है, तो मैंने ये बाई कर दिया। ये देखिए कंप्लीटेड आ गया, ये देखिए ऑर्डर में चले जाएंगे नीचे तो ये दिखा देगा कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। ये देखिए अशोक लीलैंड 3/3 यानी 3 क्वांटिटी खरीदी है जस्ट नाउ, कितने में एवरेज वो होता है जितने में खरीदी गई है, 124 रुपये 35 पैसे। CNC का मतलब होता है लॉन्ग टाइम के लिए, लिख लीजिएगा ताकि आपको लॉन्ग टाइम के लिए दिक्कत ना हो। अब पोर्टफोलियो में जाके आप देख लेंगे पोजीशन में, पोजीशन में देखिए ये दिखाएगा कि ये घट रहा है बढ़ रहा है, अगर ये घट भी गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने लॉन्ग टाइम के लिए खरीदा है। जब भी ये आपका 15 रुपये से ऊपर चला जाए तो तब आप इसको सेल करना, क्योंकि 15 रुपये 93 पैसे गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा CNC का शेयर बेचने पर, तो लॉन्ग टाइम के लिए रखिए। इससे क्या आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप धीरे धीरे जो दिन में ट्रेडिंग करेंगे वो भी आप सीख जाएंगे। तो ये इतना सा काम आपको करना है स्टार्टिंग में अगर आप फ्रेशर हैं, और इसको बस देखते रहना पोर्टफोलियो में, 2 दिन बाद ही आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा जब ये 15 रुपये से ऊपर चला जाए, जब आप इसको सेल कर देना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।